कंगना रनौत का विवादित शो लॉकअप दिन पर दिन और ज्यादा विवादित होता जा रहा है। दरअसल देश भर में एक अफवाह फैली हुई है कि कर्नाटक सरकार हलाल मीट को बैन करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद हर जगह इस पर चर्चा हो रही है। कंगना के शो के कंटेस्टेंट्स इस बहस से भला पीछे क्यों रह सकते थे, तो उन्होंने भी ये ठान लिया कि शो की टीआरपी को आसमान तक पहुंचा दिया जाए। शो की कंटेस्टेंट पायल रोहतगी ने कहा कि जिस तरह से हलाल तरीके के नाम पर जानवरों को तड़पाया जाता है, वो यकीनन तौर पर बैन किया जाना चाहिए। जिसके बाद शो के दूसरे कंटेस्टेंट जीशान सिद्दीकी ने पायल की इस दलील का विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ वक्त में बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पायल ने जीशान और उनके मजहब के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पायल ने जीशान पर थूक तक दिया। हालांकि जीशान ने समझदारी दिखाई और बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। Scumbag, that's what he called you. What did he call you? Scum class. He is. Yeah. Keep quiet. Okay. You think I will keep quiet? Let her look stupid. Let her. No. Tell us the camera. Why she playing? No. Naam beech mein mat la. You do not deserve. Woman card khelne wali. Nakli aurat. Karan Kundra ko bolti hai ki mere ko hinsa hua tere show ke andar. Teri jaisi nakli aurat. वुमन कार्ड खेलती है, तेरे को करण कुंद्रा ने तेरी औकात दिखा दी, समझ गई? ईरान में कपड़े पहनने नहीं देते, औरतों के साथ ये होता है वो होता है, अपने पे बात कर, समझ गई? नकली तो औरत भी अपने बात कर, कल जो कर रही थी ना, कल अपने पे बात कर, कल मैं क्या कर रही थी? किसको मीट को बैन करो, क्या बात कर रही थी? किसको किसको एक बात और खास रही कि शो के बाकी सभी कंटेस्टेंट्स ने पायल का खुलकर विरोध किया, जिसके बाद पायल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने कैमरे पर आकर अपने बयान के लिए माफी मांगी। अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स के साथ गलत किया है बाहर जो ये शो देख रहे हैं, तो मैं माफी मांगती हूँ, बट मेरे साथ ये लोग बहुत ज्यादा बुलिंग कर रहे हैं। मेरे से जो गलती हुई उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, बट इन लोगों का असली रूप आप देख। बाद में कंगना ने सामने आकर हलाल मीट पर जारी बहस पर अपनी भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। लेकिन आपने भी हलाल मीट को इंडोर्स किया, जैसे हमारे यहाँ पे गुरु आए थे जो लोगों को गौमूत्र पीने के लिए इंडोर्स करते थे, हमने उनको भी रिप्रिमेंड किया, हमने कहा आप जबरदस्ती क्यों करते हैं। तो ये आपका मानना हो सकता है कि हलाल मीट जो है वो खाना चाहिए और तंदुरुस्त है, लेकिन जो लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है, और उनको बिना बताए हलाल मीट सर्व किया जाता है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ऑप्शन ही नहीं होती और किसी मीट की, तो आपका भी ये कहना गलत है कि हाँ जो मैं समझता हूँ वो ठीक है और ये खाना चाहिए।